हाय, दिस इज़ अवर प्लैनेट अर्थ। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द रीज़न बीइंग 96% से ज़्यादा जो ये अर्थ प्लैनेट है, दैट इज़ दिस वाटर। वाटर है ये 96% से ज़्यादा। यहाँ ये मेजर ओशंस हैं, और जो रिमेनिंग 2.5% करीब वाटर होता है वो अवेलेबल है एज अ फ्रेश वाटर। इस चैप्टर में हम हमारे कंट्री इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम समझेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ रिवर्स देखेंगे। रिवर्स बेसिकली हमने दो कैटेगरी में यहाँ क्लासिफाई किया है। फर्स्ट टाइप ऑफ रिवर है जो ये हिमालयन रिवर सिस्टम में होगी। इसमें इधर इंडस होगा जो ये टूवर्ड्स पाकिस्तान यहाँ पे फ्लो होगा, देन इंडस रिवर सिस्टम, देन सेकेंड वुड बी दिस गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड वुड बी दिस ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। देन साउथ में ये पूरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होगा। सो दीज रिवर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये लाइफ लाइन होती है किसी भी कंट्री की। एंड जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वाटर स्कार्सिटी हो रही है, तो उन सब कंडीशंस को ध्यान में रखकर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिवर सिस्टम, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अवर कंट्री। नाउ ये जो अर्थ है, दैट इज से टोटल ग्लोबल वाटर लेवल है, इसका 96.5% ओशियंस में है ये वाटर, अर्थ का वाटर, और इसमें 2.5% ही करीब बचता है जो एज अ फ्रेश वाटर है। ये 2.5% का अराउंड ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स में 68.7% है, ग्राउंड वाटर में 30.1% है, देन सरफेस पे मतलब जो सरफेस सतह है जो सर की दिस अर्थ की, यहाँ पे अराउंड 1.2% पानी बचता है। किसका? ये 2.5% का ओनली 1.2%। और इसमें भी 1.2% में ग्राउंड आइस एंड परमाफ्रॉस्ट है, लेक्स है, एटमॉस्फेयर है, देन इस 1.2% का 0.49% इज रिवर वाटर। सो इमेजिन रिवर में पानी कितना कम है कंपैरेटिवली। 2.5% ऑफ टोटल टू फ्रेश वाटर है, 2.5% ऑफ टोटल वाटर का 1.2% सरफेस वाटर, देन 2.5 इंटू 1.5 इंटू दिस रिवर्स 0.49%। तो ये है इंडिया का रिवर सिस्टम, ये पूरे वर्ल्ड का रिवर सिस्टम है, और इसमें भी इंडिया का हम स्पेसिफिकली अभी देखेंगे। सो दिस टेल्स कि रिवर्स एंड दिस वाटर कंजर्वेशन आर सो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सो ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है। इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने इंडिया लोकेशन समझा, सेकंड था फिजियोग्राफी, लास्ट क्लास में वी टॉक्ड अबाउट दिस स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। अब हम समझते हैं ये ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब बेसिकली हम इंडिया की सारी रिवर्स की बात करेंगे, इनकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, नॉर्थ साउथ ट्रिब्यूटरी कैसे होती है, लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या होता है, देन माउथ से लेके यहाँ पे जब ये ड्रेन हो रही है दिस ओशंस में विल हैव अ लुक। सो लेट अस बिगिन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम का, दिस इज चैप्टर नंबर 3। नाउ यू हैव ऑब्जर्व्ड वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स नाला एंड इवन चैनल्स। वाटर जो होता है ये हमेशा रिमेंबर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगा। जहाँ ज़्यादा हाइट है वहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, वहाँ से ये लोअर हाइट की तरफ फ्लो होगा। तो इंडिया का लास्ट क्लास में हमने देखा इंडियन प्लेट ने ऐसे हिमालय को यहाँ पर हिट किया, यूरोपियन प्लेट को, और यहाँ पर हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। तो जो स्लोप है, ग्रेडियंट है, वो इस तरफ आ जाता है, जैसे मालदा फॉल्ट एंड ऑल बन गया। तो मोस्ट ऑफ द रिवर सिस्टम से इस वे फ्लो होगा, फ्रॉम दिस नॉर्थ टू टूवर्ड्स दिस बे ऑफ बंगाल, ऐसे रिवर सिस्टम फ्लो होगा। इवन जो ब्रह्मपुत्रा भी देखेंगे यहाँ पे वो टर्न होती है, देन साउथ में, फिर देन यहाँ पे फिर से साउथ होती है, और फिर इस गैप की तरफ आती है। वाटर अगर रिफ्ट वैली में हो रहा है जैसे नर्मदा एंड ताप्ती है, तो वो भी द होल आइडिया, वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा है तो रिवर्स यहाँ से ऐसे टूवर्ड्स ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो होती है। द होल आइडिया इज वाटर हमेशा हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी तक पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। और जिस रास्ते में पानी बह रहा है उसको हम बोलते हैं वो रिवर का चैनल है। ये रिवर नाला इवन चैनल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन ड्रेन द एक्सेस वाटर होता है। सो हैड दीज चैनल नॉट बीन देयर, लार्ज स्केल फ्लडिंग होती है। अब फ्लडिंग क्या होता है? अगर ये चैनल है, वेल डिफाइंड चैनल है, इसकी ये कैपेसिटी है, ये इतना पानी कैरी कर सकता है, अगर इस कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ गया तो ये बैंक तोड़ के पानी बाहर की तरफ निकल आता है, और इसी को हम बोलते हैं फ्लडिंग। लार्ज स्केल फ्लडिंग होती है, चैनल्स आर इल डिफाइंड है, या फिर चोक हो जाते हैं। जैसे चेन्नई में जैसे फ्लड्स आ गए थे, पानी भर गया था, वो क्यों हो गया था? बिकॉज जो वाटर चैनल्स थे वहाँ पे लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना लिया, तो पानी को जाने का रास्ता नहीं मिला और वो पूरा फ्लड हो गया वहाँ पे। तो ये इल डिफाइंड और ऐसे चोक हो जाता है वहाँ पे। तो फ्लडिंग इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिनन।
द फ्लो ऑफ वाटर होता है वेल डिफाइंड चैनल में, जिसको बोलते हैं हम ड्रेनेज, एंड नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो एक ड्रेनेज है जहाँ से वेल डिफाइंड वाटर फ्लो हो रहा है, बहुत एक बड़ा नेटवर्क बन गया है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वहाँ पे जियोलॉजिकल क्या है। जैसे हिमालय में अलग ड्रेनेज पैटर्न होगा, साउथ में अलग होगा, डेक्कन में, प्लेन्स में ड्रेनेज पैटर्न अलग होगा। टाइम इज़ अगेन अ बिग फैक्टर, नेचर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स वहाँ पे कैसे है, हार्ड रॉक है या फिर सेडिमेंट्री सॉफ्ट है वहाँ पे, देन टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप मतलब हाई स्लोप है या फिर वहाँ पे स्लोप कम है, तो रिवर भी अगर स्लोप कम होता है तो वहाँ पे वो मीएंडरिंग करने लग जाती है, स्ट्रक्चर क्या है रॉक का। सो दीज ऑल फैक्टर्स कलेक्टिवली डिटरमाइन कि उस रिवर पैटर्न, उस ड्रेनेज पैटर्न का स्ट्रक्चर एंड ऑल कैसे होगा, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम कैसे इवॉल्व होगा। नाउ डू यू हैव अ रिवर नियर योर विलेज, हमारे गाँव में, शहरों में रिवर्स होती है, जैसे ये दिल्ली है, यमुना के यहाँ पर है। सो हैव यू एवर बीन देयर फॉर बोटिंग और बादिंग, यमुना में दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये काफ़ी यहाँ पे पानी अच्छा नहीं है। इज़ इट पेरेनियल ऑलवेज विद वाटर, पेरेनियल का मतलब होता है यहाँ पे हमेशा पानी है, और एफेमरल का होता है यहाँ पे केवल रेनी सीजन में है, कुछ सीजन में पानी है, अदरवाइज नहीं है पानी। तो जो हिमालयन रिवर है ये यूजुअली पेरेनियल होती है बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर्स से पानी मेल्ट हो रहा है और इसके पास पानी बना रहेगा। वही राजस्थान का से लूनी रिवर एंड सम अदर रिवर, ये एफेमरल होती है बिकॉज इनके पास वाटर शॉर्टेज है, रेनी सीजन होगा तो रिवर आ जाएगी, रेनी सीजन नहीं होगा तो वो ऑलमोस्ट ड्राई लाइक सिचुएशन में होगी। तो ये ऐसे अलग अलग रिवर्स हैं, रिवर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन होता है, जहां स्लोप ग्रेडियंट ऐसे हो रहा है, रिवर एक चैनल बना लेती है और वो फिक्स्ड कोर्स में ऐसे ट्रेवल करती है। नाउ यहाँ पे देन लिखा है वाई डू द रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न घाट इन द सदर्न इंडिया, फ्लो टूवर्ड्स द ईस्ट एंड डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स हम देखेंगे या तो ये हिमालय से निकल रही है या फिर किसी सर्टेन हाइट से निकल रही है, वेस्टर्न घाट से बहुत सारी रिवर्स हैं और ये टूवर्ड्स दिस बे ऑफ बंगाल में अपना वाटर यहाँ पर ड्रेन कर देती है। अ रिवर इन द माउंटेनियस रीजन, ये इस टाइप से है। सो रिवर ड्रेन करती है वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, तो उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, तो कैचमेंट एरिया क्या होगा, जहां से रिवर ने अपना पानी कैच किया है। रिवर यूजुअली पानी कहां से कैच करेगी, से हाइट है, ग्लेशियर्स हैं, रेन फॉरेस्ट एंड ऑल इस टाइप का कोई सिचुएशन है, तो यहां से उसने पूरा पानी कलेक्ट किया है, तो ये जहां से उसने पानी कलेक्ट किया है उसको हम बोलते हैं रिवर का कैचमेंट एरिया। एरिया ड्रेन बाय रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन। अब ये जहाँ से पानी कलेक्ट किया, अब ये रिवर का चैनल है, ये पानी लेके आगे लेके जा रहा है, जिस जिस एरिया में वो उसे ड्रेन करेगा वो उस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाया जाएगा। नाउ ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज के पैटर्न है, जैसे ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांच ऑफ ट्री। ब्रांच ऑफ ट्री कैसे होती है, ऐसे आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड डेंड्रिटिक। ये डेंड्रिटिक टाइप ऑफ दिस रिवर फ्लो हो जाता है, ऐसा यूजुअली रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन में होता है बिकॉज यहाँ पे स्लोप भी ज़्यादा है तो बहुत सारे पाथ फाइंड हो जाते हैं और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे। देन ट्री ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, द ड्रेनेज पैटर्न इज नोन एज रेडियल। जैसे यहाँ पे कोई हाइट है ना, दिस हाइट से सभी चारों डायरेक्शन में ऐसे पानी इधर उधर फ्लो हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड रेडियल पैटर्न। जैसे अमरकंटक रेंज है, यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इस रेंज से तीन बड़ी रिवर्स निकलती है, नेम दोज थ्री रिवर्स अमरकंटक रेंज से। When the primary tributary of river flow parallel to each other and secondary tributary join them at right angle, मतलब जैसे ये river है, एक जो primary tributary है ये parallel to each other है और जो secondary tributary है, tributary मतलब होता है जैसे tribute देते हैं अपन, gift देते हैं, तो ये main river है, इसको पानी जो gift दे रहा है उसको हम बोलते हैं वो इसकी tributary है। रिवर का हमेशा ये डायरेक्शन होता है, तो से ये डायरेक्शन ऑफ रिवर है, अब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। जो लेफ्ट से आके मिलेगा ट्रिब्यूट देगा, मुझे पानी देगा, तो वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। जो राइट से आके मुझे पानी देगा तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो ऐसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाती है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर में ऐसे खड़े होना है। ये हम नॉर्थ एंड साउथ भी कर सकते हैं, अगर रिवर ऐसे फ्लो हो रहा है तो नॉर्थ से है साउथ से, तो द आइडिया इज दिस इज ट्रिब्यूटरी। तो मेन ट्रिब्यूटरी, फिर ट्रिब्यूटरी की भी सब ट्रिब्यूटरी है, तो वो ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज ट्रेलिस पैटर्न। वो चलते हैं प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है, फ्लो पैरेलल टू ईच अदर हो रही है, और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो उसको राइट एंगल में ज्वाइन कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेलिस पैटर्न।
देन रिवर डिस्चार्ज कर रही है वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, मतलब एक यहाँ पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो गया है, तो यहाँ पे रिवर सब आके यहाँ पे अपना पानी ऐसे डिस्चार्ज कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न है, पहला है डेंड्रेटिक, फिर है ये रेडियल, ये है ट्रेलिस और ये है सेंट्रीपिटल, रिमेंबर दिस। सो दिस इज पेज नंबर 1। नाउ ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल एनवायरनमेंट, ये हम रिवर्स पढ़ने वाले हैं। एक रिवर हम देखेंगे ये इंडस रिवर है, ये मानसरोवर के आसपास यहाँ कहीं से निकलेगी, इसका डिटेल हम आगे देखते हैं। ये रिवर ऐसे फ्लो होगी, देन दिस विल फ्लो लाइक दिस, और फिर ये इधर यहाँ पाकिस्तान देन कराची यहाँ पे आ जाएगी। इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, ये पानी इसको गिफ्ट कर रही है, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये व्यास रिवर है। ओके, देन ये एक जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये वाटर डिवाइड हो गया है, मतलब इधर वाली रिवर अलग हो गई और इधर वाली रिवर अलग हो गई, सेपरेट हो गया। तो ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज़ वाटर डिवाइड ऑफ दिस इंडिया, ये ग्रीन लाइन, एक रिवर इधर जा रही है बाकी रिवर इधर जा रही है। तो से लूनी रिवर इधर है, साबरमती और माही रिवर यहाँ पर है, देन ये नर्मदा और ताप्ती ऑलरेडी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो आइडियली इनको इधर जाना चाहिए था, बट ये रिफ्ट वैली में फंस जाती है, तो ये रिवर ऐसे करके इधर अरेबियन सी में आएगी, तापी इसके जस्ट पैरेलल नीचे ऐसे बह के अरेबियन सी में आएगी। देन ये आ जाता है वेस्टर्न घाट, तो इधर रिवर को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, बट स्लोप इस साइड है, तो रिवर इस हाइट से इस स्लोप में यहाँ पे फ्लो होगी, और ये सारी रिवर्स बनेंगी जैसे पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी एंड ऑल, कुछ शॉर्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो इधर भी आएंगी अरेबियन सी में। देन ये गंगा है, गंगा बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये गंगा ऐसे आ रही है, फिर गंगा भी अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो ये उसका लेफ्ट बैंक हो गया, ये राइट बैंक हो गया, नॉर्थ साउथ देखेंगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस तरीके से ये फिर बांग्लादेश में चली जाती है, एक हुगली यहाँ पे आ जाती है कलकत्ता तरफ, और ये बांग्लादेश, फिर ये यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट रिवर है सैंगपो, ये दिहांग, दिबांग, लोहित बनती है, ब्रह्मपुत्रा बनती है, फिर ये साउथ में ऐसे करके गंगा भी मिलेगी, और फिर ये पूरा सुंदरबन दिस डेल्टा फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, यमुना की है, गंगा के जस्ट नीचे ये फ्लो हो रही है, चंबल, सिंध, ये बेतवा सब यमुना को पानी दे रही है, और फिर यमुना जाके मिलेगी दिस गंगा से, सोन यहाँ पे ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट गंगा से मिल जाएगी। तो ये इस तरीके से पूरा रिवर सिस्टम इंडिया का बना है, दीज आर ओनली सम इंपॉर्टेंट रिवर, डिटेल में हम आगे देखते हैं अभी। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सो एंड दिस इज वाटर डिवाइड, इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, और इस तरीके से अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल दो जगह हमारा ऐसा डिवीजन कर रखा है हमने। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट रिवर, अब हम डिटेल में देखते हैं। तो सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटर शेड है। वाटर शेड क्या कर रहा है, एक बेसिन को दूसरे बेसिन से सेपरेट कर रहा है। कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन, और जो स्मॉल रिवुलेट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं वाटर शेड। तो एक टर्म हो गया वाटर शेड और एक हो गया दिस बेसिन, तो जो स्मॉल रिवुलेट्स हैं उसको बोलते हैं वाटर शेड, और जो बड़ा है दैट इज रिवर बेसिन, लार्ज रिवर का रिवर बेसिन है। However, a slight difference between a river basin and a watershed is, watershed are small in area while the basin cover large area. So this is the difference. River basin and watersheds hote hain, they are marked by unity. What happened in one part of the basin or watershed directly affect the other part and the unit as a whole. हम सारे individuals भी in a way, सारी countries जैसे COVID-19 में हमने समझा आपस में interlinked हैं, तो river basins भी आगे interlinked हैं। आगे हम this interlinking of river देखेंगे, पोलावरम एंड ऑल में हम interlinking of river देख रहे हैं, तो उसका भी एक अलग benefits भी होते हैं और consequences भी होते हैं। The most appropriate micro, meso और macro planning regions में ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में भी डिवाइडेड ऑन वेरियस बेसिस, अलग अलग बेसिस हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कितना पानी इससे पास हो रहा है, ओरिएंटेशन सी में, इसको हमने बनाया है, एक हो गया अरेबियन सी जो इस साइड चला गया अरेबियन सी में, और एक हो गया बे ऑफ बंगाल में। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू दिस दिल्ली रिज, अरावली एंड दिस सह्याद्री। तो ये वाटर डिवाइड हो गया, ये जो लाइन है ना ग्रीन वाली, दैट इज कॉल्ड वाटर डिवाइड, ये वाटर डिवाइड है इंडिया का, दिस इज वाटर डिवाइड ऑफ इंडिया। तो ये इस तरीके से वाटर डिवाइड हो गया है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में और दिस अरेबियन सी में। 77% ऑफ द ड्रेनेज एरिया कंसिस्ट ऑफ दिस गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी एंड कृष्णा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, 77% इनका बेसिन है। जितने भी रिवर्स के नाम है आई हैव हाईलाइटेड दोज विद दिस ब्लू कलर।
गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी एंड कृष्णा। देन ये बे ऑफ बंगाल में, तो 77% तो इन रिवर ने बना लिया। 23% बनाती हैं नर्मदा, तापी, माही और दिस पेरियार सिस्टम। ये डिस्चार्ज करता है टूवर्ड्स दिस अरेबियन सी में। तो दिस इज द वे, यहाँ 77% जो है ये इस डायरेक्शन में आ रहा है और जो 23% है वो उधर अरेबियन सी में आ रहा है हमारा। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द वाटर शेड द ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया ग्रुप्ड है 3 कैटेगरी में। एक होता है मेजर बेसिन, जहाँ पे 20,000 square kilometer डिपेंडिंग अपॉन दिस साइज हमने कर रखा है, कैचमेंट एरिया मतलब पानी इतने स्क्वायर किलोमीटर एरिया से रिवर कलेक्ट कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड दिस 20,000। तो ये मेजर हो गया। ऐसे 14 बड़े ड्रेनेज बेसिन बना रखे हैं हमने। कौन कौन से हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती। बुक के लास्ट में ये पूरे डिटेल में ये 14 दिए हुए हैं। देन फिर मीडियम रिवर बेसिन हैं जिनका 2,000 to 20,000 कैचमेंट एरिया इतना है। कालिंदी, पेरियार, मेघना इधर आ गए। फिर माइनर हो जाते हैं जिनका 2,000 से कम है। तो तीन कौन सी रेंज हो गई? 2,000 से लेके कम, फिर 2,000 से 20,000, फिर 20,000 से ज़्यादा। ऐसे मेजर, देन दिस इज मीडियम एंड दिस इज माइनर। इफ़ यू लुक एट फिगर 3.1, आप देखोगे मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन द हिमालय। वाई? बिकॉज यहाँ पे ग्लेशियर्स एंड ऑल है। ये ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली पानी मेल्ट होता है और इससे ये रिवर फीड होता है, और रिवर फिर यहाँ पे हम देखेंगे पेरेनियल रहती हैं ये वाली रिवर। डिस्चार्ज वाटर इधर इन बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। सो आइडेंटिफाई दीज रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। लार्ज रिवर फ्लोइंग ऑन द पेनिनसुलर प्लेटू हैव देयर ओरिजिन इन वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर का ऐसे ओरिजिन है और ये डिस्चार्ज कर रही है वाटर अपना अगेन बे ऑफ बंगाल में। नर्मदा और जो तापी है ये दो लार्ज रिवर सिस्टम है, ये एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्यों हैं? सी, ये सारा जो बेसिन था ये सारी रिवर इधर जा रही थी, बिकॉज स्लोप ऐसे है इंडिया का, तो सारी रिवर देखो ऐसे फ्लो हो रही है बे ऑफ बंगाल में। तो नर्मदा यहाँ से निकली है तो उसको इधर जाना चाहिए था, बट वो जाती है इधर अरेबियन सी में। ऐसी ताप्ती भी यहाँ से इधर नहीं जाती है, वो ऐसे जाती है। वाई? बिकॉज ये यहाँ पे एक रिफ्ट वैली है, उसके बीच में ये एरिया यहाँ पे ये दे गेट स्टक। सो ये रिवर डिस्चार्ज करती हैं अरेबियन सी में। देन रिवर्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल रीजन है फ्रॉम कोंकण टू द मालाबोर। लास्ट क्लास में हमने ये कोस्ट देखा था ना, दीज आर कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, कोंकण, मालाबार, यहाँ पे भी बहुत सारी रिवर्स हैं। बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, इंडियन ड्रेनेज में भी क्लासिफाइड इंटू, एक हो गया हिमालयन और दूसरा हो गया पेनिनसुलन। ऑल दो प्रॉब्लम ऑफ इंक्लूडिंग द चंबल एंड बेतवा एंड सोन होता है, बिकॉज ये मध्य से निकली है, सेंट्रल इंडिया से, बट हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे इसी सिस्टम के अंदर। ये जो रिवर्स हैं ये मच ओल्डर इन एज भी हैं अदर रिवर दैट हैव ओरिजिन इन द हिमालय। तो जो रिवर ऐसे ओल्डर हैं तो हम इसमें बाद में एक और कॉन्सेप्ट होता है एंटीसीडेंट रिवर, सब्सिक्वेंट एंड इस टाइप का। तो ओल्डर इन एज है ओरिजिन देन अदर रिवर दैट हैव देयर ओरिजिन इन द हिमालय, बट ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, तो हम ये क्लासिफिकेशन मानेंगे हिमालयन ड्रेनेज का और दिस पेनिनसुलर ड्रेनेज का। तो ये हमारा, हमने बैकग्राउंड तैयार कर लिया है, अब हम समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ओके, कीप दिस मैप इन योर माइंड। ये वाटर डिवाइड है, दिस ग्रीन लाइन इज वाटर डिवाइड। एक रिवर्स इधर की आ रही हैं और दूसरी रिवर अरेबियन सी की आ रही है। एक रिवर सिस्टम में ये पूरा हम हिमालयन पढ़ेंगे और दूसरा रिवर सिस्टम में हम ये पूरा डेक्कन साउथ पेनिनसुलर पढ़ेंगे। हिमालयन में भी तीन आएगा, एक ये इंडस आएगा, एक आएगा गंगा और एक आएगा ये ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये तीन हम पढ़ेंगे हिमालय सिस्टम में। देन साउथ में हम पढ़ेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स हैं, इसमें ये कावेरी, कृष्णा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, गोदावरी एंड ऑल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ रिवर्स बचेंगी, वो छोटी छोटी ऐसी यहाँ की शॉर्ट रिवर रहेंगी, इनको भी वी विल सी। सो लेट अस बिगिन विद दिस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जो ड्रेनेज पैटर्न है ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग रिवर हैं, आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। अर्थ कितना बहुत पुराना है, बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है, तो ये जो सिस्टम है ये भी इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। हमने पढ़ा ना टाइम, एज, स्ट्रक्चर, रॉक, देर आर सो मेनी थिंग्स। तो तीन मेजर फिजियोग्राफिक यूनिट है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिपिटेशन भी होता है। फर्स्ट इज दिस हिमालयन। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम इवॉल्व हुआ थ्रू अ लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। लास्ट क्लास में देखा था हिमालय यहाँ कहीं साउथ में होता था, इंडिया पहले साउथ में होता था, फिर इंडिया ऊपर की तरफ मूव हुआ, प्लेट इंडिया का मूव हुआ, देन यूरोपियन प्लेट से इसने टक्कर किया और फिर हिमालयन फॉर्मेशन हुआ। लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, इसमें गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र ये तीन हैं। सिंस दीज आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। सी,
यहाँ पे आप देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये पूरे ग्लेशियर्स हैं मोस्टली, दीज आर ऑल ग्लेशियर्स, ये दीज आर ऑल ग्लेशियर्स, बिकॉज हिमालय का हाइट है, स्नो लाइन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, जैसे गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यहाँ पे भी अदर ग्लेशियर्स हैं, और ये ग्लेशियर्स कंटिन्यूसली मेल्ट होते हैं। तो इनिशियल जो वाटर सप्लाई है इस पूरे हिमालयन रिवर सिस्टम का, वो आता है इस हिमालयन ग्लेशियर सिस्टम से। ओके, देन ये इसलिए यहाँ पे जो रिवर होती है ये मेल्टिंग ऑफ स्नो से होता है, प्रेसिपिटेशन रिवर में होता ही है, पानी भी गिरता है यहाँ पे, सो ये हो जाती है पेरेनियल। पेरेनियल मतलब साल भर यहाँ पे पानी रहेगा। पास थ्रू द जाइंट गॉर्जेज होते हैं, क्योंकि रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो नीचे ऐसे डाइसेक्ट कर रही है, तो ऐसे बड़े बड़े गॉर्जेज भी फॉर्म हो जाते हैं। पास थ्रू जाइंट गॉर्जेज इरोजनल एक्टिविटी कैरिड आउट होती है। इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी को बहा के ले जाना। साइमल्टेनियसली अपलिफ्ट ऑफ हिमालय भी हो रहा है, तो हिमालय ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और रिवर इनको नीचे की तरफ ऐसे डाइसेक्ट कर रही है। तो इन दोनों एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस का इंटरप्ले है और वो यहाँ की पूरी जोग्राफी डिसाइड करेगा। डीप गॉर्जेस भी हैं, ये वी शेप्ड वैली बनाती है, रैपिड्स बनाती हैं, अगर अनइवन जैसे हो जाता है जो बेस है रिवर का, तो अचानक कहीं पे बहुत तेज़ी से पानी फ्लो होने लग जाएगा इस टाइप से, सो दीज आर कॉल्ड रैपिड। वाटरफॉल होता है जब यहाँ यहाँ सॉफ्ट रॉक आ गई है, यहाँ हार्ड रॉक है, तो पानी ऐसे धीरे धीरे सॉफ्ट रॉक को ऐसे बढ़ाएगा और यहाँ पर ऐसे वाटरफॉल हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ दिस लैंडफॉर्म्स हैं, ये हम नेक्स्ट दूसरी बुक में पढ़ेंगे, बट इस टाइप के लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं बाय दीज रिवर इन हिमालय सिस्टम। प्लेन में एंटर करती हैं तो ये डिपोजिशनल फीचर है, मिट्टी जो ऊपर से देके आ रही है उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो डिपोजिशनल फीचर बनाती है, जैसे फ्लैट वैली, ऑक्सबो, फ्लड प्लेन, ब्रेडेड चैनल, डेल्टा नियर द रिवर माउथ। फिर हिमालयन माउथ मतलब ये ओशन के पास पहुँच गई है। हिमालयन जो रीचेज है, द कोर्स ऑफ दीज रिवर इज हाईली टॉर्चुअस, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट ओवर द प्लेन ये स्ट्रॉन्ग मीएंडरिंग टेंडेंसी होती है, बिकॉज इनका फ्लो कम हो गया है, हमने देखा था ना यहाँ पे, दिस स्लोप इज़ लेस, स्लोप इज़ लेस मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज़ लो, तो ज़्यादा ऐसे स्पीड नहीं आएगा इसको रिवर को, तो वो ऐसे मीएंडर करने लग जाएगी, और बिकॉज रिवर में वाटर फ्लो भी नहीं होगा तो सेडिमेंट कैरी भी नहीं कर पाएगी, तो ये सेडिमेंट को ऐसे डिपॉजिट करने लग जाएगी। ये चीज़ हम ब्रह्मपुत्रा में बहुत अच्छे से देखेंगे। तो हिमालय में ऐसे हाईली टॉर्चुअस है, मीएंडरिंग होती है, देन टेंडेंसी शिफ्ट और कोर्सेज भी फ्रिक्वेंटली करती है, आज ऐसे बह रही है कल दूसरा डायरेक्शन ले लिया बिकॉज यहाँ सेडिमेंट ने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो रिवर कोसी नोटोरियस है, ये सौरो ऑफ बिहार भी कहते थे इसे, नोटोरियस फॉर फ्रिक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स, अक्सर बाढ़ आ जाती थी। कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम अपर रीचेज और डिपॉजिट कर देती है उसे प्लेन पे, रास्ता ब्लॉक हो गया, उसका नतीजा क्या निकलेगा, रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। सो व्हाई डज द कोसी रिवर ब्रिंग सच ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द अपर रीचेस, बिकॉज हिमालय अभी लूजली बने हुए हैं, दे आर नॉट सेटल्ड, तो वो इजीली सेडिमेंट्स लूज कर देते हैं और ये रिवर उसको लेके आ जाती है। डिस्चार्ज ऑफ द वाटर इन द रिवर इन जनरल एंड कोसी इन पर्टिकुलर रिमेन्स द सेम और डज इट फ्लैक्चुएट, ये एक रिजीम होता है, किस सीजन में कितना पानी बह रहा है वहाँ पे। When does the river course receive the maximum quantity? जब melting ज़्यादा हो रहा है और मानसून भी आ गया है। What are the positive and negative effect of flooding? Flooding एक बहुत huge disaster हो जाता है, especially नॉर्थ ईस्ट में देखो या फिर गंगा के आसपास के शहरों में देखो। तो इसका evolution कैसे हुआ हिमालयन ड्रेनेज का? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कैसे हिमालयन रिवर्स बनी। अगर जियोलॉजिस्ट की बात माने तो मोस्टली जो पॉपुलर थ्योरी है वो ये बोलती है कि एक माइटी रिवर थी जिसका नाम था शिवालिक, इंडो ब्रह्मा, ट्रेवर्स द एंटायर लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ दिस हिमालय, मतलब असम से लेके ऐसे पूरा आके वो कश्मीर देन पंजाब तक गई है, असम से लेके पंजाब तक ऑनवर्ड्स टू सिंध, मतलब एक ही रिवर थी ये पूरी, और फिर फाइनली वो गल्फ ऑफ सिंध इधर प्रेजेंट डे मॉडर्न डे पाकिस्तान इधर कराची के पास आके पानी यहाँ पे रिलीज होता था पंजाब में। ये बहुत पुरानी बात है, मियोसिन पीरियड की है। देन इसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ शिवालिक है, लैकोस्ट्राइन ओरिजिन है, अलूवियल डिपॉजिट है, तो इनडायरेक्टली ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि पॉसिबली ये थ्योरी करेक्ट रही होगी। सैंड, सिल्ट, क्ले, बोल्डर, इनडायरेक्टली हम ये डेसिफर कर पाते हैं। तो इट इज़ ओपाइंड दैट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इंडो ब्रह्मा जो रिवर थी ये डिसमेंबर्ड इन टू थ्री मेन ड्रेनेज सिस्टम, बिकॉज हिमालय का भी अपहीवल हुआ, तो ये जो पूरी एक कंटिन्यूस बड़ी रिवर होती थी ये तीन पार्ट में टूट गई। एक पार्ट हो गया इंडस, दूसरा पार्ट हो गया गंगा और तीसरा पार्ट हो गया ये ब्रह्मपुत्रा। इंडस और इसकी पांच ट्रिब्यूटरी, पंजाब नाम है,
गंगा और इसकी हिमालयन ट्रिब्यूटरी सेंट्रल में, और स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र असम इन द ईस्टर्न पार्ट। तो ये जो शिवालिक है ये ऐसे तीन पार्ट में 1, 2 एंड 3 डिवाइड हो गई। द डिसम्बरमेंट वॉज प्रॉबेबली ड्यू टू प्लिस्टोसिन अपहीवल हुआ वेस्टर्न हिमालय, हाइट ऐसे बढ़ा तो इन्होंने एलिवेशन चेंज हो गया, स्लोप चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंसेस चेंज हो गई, तो रिवर्स भी चेंज हो गई। देन पोतवार प्लेटू आ गया, दिल्ली रिज डिवाइड आ गया, ये वाटर डिवाइड बन गया इंडस में और गंगा में। हमने ये लाइन देखी ना ग्रीन, ये इंडस इधर हो गई, गंगा इधर आ गई। लाइकवाइज डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप है बिटवीन द राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेटू। सी दिस मैप अगेन, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे दिस डाउन थ्रस्ट हो गया, तो आप देखो ये रिवर सारी यहाँ पे जाके इधर, बिकॉज स्लोप यहाँ पे कम है, यहाँ पे हाइट कम है, तो रिवर इस डायरेक्शन में हो जाती है। ब्रह्मपुत्र भी आप देखोगे ये रिवर ऐसे आ रही है, यहाँ पे आके सडनली वो साउथ हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे डाउन थर्स्ट है इस पूरे एरिया में। लास्ट क्लास में हमने देखा था ये पेनन्सुला है और ये दिस है, दोनों एक ही पार्ट माने गए हैं, और यहाँ पे बीच में मालदा फॉल्ट आ गया और ये रिवर ने उसको सेडिमेंट से भर भी दिया। सो दैट इज़ वाई ये नज़र नहीं आता है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पेनन्सुला। तो इसने ऐसे करके रिवर को भी यहाँ का डिज़ाइन कर दिया मालदा गैप ने, राजमहल हिल, मेघालय प्लेटू, मिड प्लिस्टोसिन में इसने डाइवर्ट कर दिया गंगा और ब्रह्मपुत्रा को टू फ्लो टूवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। नाउ अब हम देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। तो पहला जो है वो इंडस है, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट है। दिस 11,650 स्क्वायर किलोमीटर है, इंडिया में इसका इतना पार्ट है, टोटल लेंथ इसकी 2880 है, इंडिया में अराउंड 1114 किलोमीटर है। इंडस को सिंधु रिवर भी बोलते हैं, इंडिया इंडस, सिमिलैरिटी इंडिया इंडस। वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर इन इंडिया है, ये ओरिजिनेट होती है ग्लेशियर से, जो वाइट अभी मैप में देखा ना, ये है बोखर चू, दैट इज कोऑर्डिनेट है, दिस इज नॉर्थ लैटिट्यूड, दीज आर लैटिट्यूड और दीज आर लॉन्जिट्यूड, 81°40 एंड दिस 31°15 पे है, तिब्बतन रीजन पे है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होती है, ये इतनी हाइट पे है। कैलाश माउंटेन रेंज भी यहाँ पर है, ये सिंगी खम्बन है इसका नाम, तिब्बत में सिंगी खम्बन, लायंस माउथ बोलते हैं। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, अगेन नॉर्थ वेस्ट ऐसे फ्लो होती है, ये होती है लद्दाख में, जस्कर, हिमालय हमने रेंजेस पढ़े थे ना, ऐसे पैरेलल इन दोनों के बीच में बहती है, फिर पास होती है लद्दाख और बाल्टिस्तान से, फिर कट होती है लद्दाख रीजन से, रेंज से, देन फिर एक स्पेक्टेकुलर गॉर्ज बनाती है गिलगित में, जम्मू एंड कश्मीर में, और फिर वहाँ से ये ऐसे एंटर हो जाती है पाकिस्तान में, कहाँ पे, चिलास में, ये डार्डिस्तान रीजन है। तो ये अगेन हैव अ मैप विद यू और ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाओ, हैव दिस एनसीईआरटी एज वेल, एनसीईआरटी की वेबसाइट से यू कैन गेट दिस एनसीईआरटी पीडीएफ, और इसको मेरे साथ आप पढ़ते जाओ, ये बहुत यूजफुल रहेगी रिवीजन के लिए आपके। सो दिस इज चिलास इन द डार्डिस्तान रीजन में, नोटेड डाउन, ये पूरे इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं। अब जो इंडस है ये नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरी भी होगी, ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, गिफ्ट, मतलब रिवर को पानी गिफ्ट देगी, ये सारी रिवर अपना पानी इस रिवर, मेन रिवर को गिफ्ट देंगी। कौन कौन सी रिवर्स देंगी, श्योक, गिलगित, जस्कर, हुंजा, नुब्रा एंड शिगार, गास्टिंग एंड द्रास, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, दिस इंडस रिवर की। फाइनली ये इमर्ज आउट होगी नियर अटॉक, वहाँ पे काबुल रिवर मिलेगी राइट बैंक में, राइट बैंक मतलब रिवर ऐसे जा रही है, ये डायरेक्शन है तो ये राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो राइट से आके ऐसे मिलेगी यहाँ पे ऊपर ऐसे राइट, बिकॉज डायरेक्शन ये है। देन इसकी दूसरी और रिवर्स मिलेंगी जैसे कि खुर्रम, तोची और गोमल, और देन विबोवा और संगर, ये सारी रिवर यहाँ पे मिल रही हैं। ये ऑल ओरिजिनेट इन दिस सुलेमान रेंज, हमने सुलेमान देखा था ना, पामीर एंड दिस सुलेमान रेंज था, ये पामीर नॉर्थ था, कुल्लू इधर आ रहा है फिर, तो यहाँ पे ये रिवर्स आके इस इंडस रिवर को अपना पानी देती है, दैट इज गिफ्ट देती है, ट्रिब्यूटरी है। रिवर फ्लो साउथवर्ड और रिसीव होती है पंजनाद में, बिकॉज फाइव रिवर, दैट इज वाई इसका नाम पंजाब पड़ा था, मिथानकोट में, पंजनाद इज द नेम गिवन टू द फाइव रिवर। कौन कौन सी रिवर हैं, सतलज, व्यास रिवर, रावी, चेनाब एंड झेलम। फिर फाइनली ये डिस्चार्ज करती है इनटू द अरेबियन सी में, ईस्ट ऑफ कराची में, इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पहली रिवर हो गई हमारी इंपॉर्टेंट, दिस इंडस सिस्टम की इंडस रिवर। अब हम देखते हैं ये पंजनाद रिवर कौन सी है, इसमें एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, झेलम, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस का, ये स्प्रिंग ऑफ दिस वेरी नाग में इसका ओरिजिन है, फुट ऑफ दिस पीर पंजाल रेंज में, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ वैली ऑफ कश्मीर में, ये फ्लो होती है श्रीनगर में, वुलर लेक, बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉर्ज, फिर ये ज्वाइन करती है चेनाब को नियर जंग इन पाकिस्तान। तो दिस इज द रिवर नंबर टू ऑफ इंडस, दैट इज झेलम रिवर। फिर आती है चेनाब,
चिनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये दो स्ट्रीम से बनी है, एक है चंद्रा और एक है भगा, चंद्र भगा चिनाब बनती है। ये तांडी में मिलती है केलोंग इन हिमाचल प्रदेश में, इसको बोला जाता है चंद्र भगा भी। ये 1180 किलोमीटर है बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। फिर एक रावी रिवर है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस की है, ये रोहतांग पास से बना है। रोहतांग हम न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं, रोहतांग पास बहुत डिफ़िकल्ट पास है, तो अक्सर यहाँ पे डेड बॉडीज एंड ऑल मिलती थी, तो उसके नाम पे इसका रोहतांग पास बन गया। कुल्लू हिल्स ऑफ दिस हिमाचल में ये रिवर रावी बनी है। चंबा वैली ऑफ द स्टेट से बहती है, पाकिस्तान में जाती है चेनाब रियर सराय सिंधु में, एरिया बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। ये भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज COVID-19 के कारण ये पॉल्यूशन लेवल कम हो गए थे। देन फिर ये व्यास रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है इंडस की, ये बनती है व्यासकुंड नियर रोहतांग पास से, इसका एलिवेशन 4000 मीटर है मीन सी लेवल से। ये रिवर फ्लो होती है कुल्लू वैली में, गॉर्ज फॉर्म करेगी काटी एंड लारगी में, धौलाधर रेंज में, फिर ये पंजाब प्लेन में आएगी, और ये जो व्यास रिवर है ये मिलेगी सतलज रिवर पे और हरिक्के में बनेगी। देन सतलज ओरिजिनेट होती है दिस रकास ताल में, रकास ताल कहाँ पर है, मानसरोवर में है। देन इसका एल्टीट्यूड इतना है तिब्बत में, इसको बोला जाता है लांगचन खामबाब। ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, ये इंडस ऐसे जा रही है, सतलज उसके नीचे ऐसे पैरेलल हो रही है, करीब 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। फिर इंडिया में ये रोपर में आती है, एक गॉर्ज बनाती है, फिर ये शिपकिला से पास होगी हिमालयन रेंज में, फिर पंजाब के प्लेन में आएगी। ये एंटीसिडेंट रिवर है, मतलब अपहीवल ऑफ हिमालय से पहले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है एज इट फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ दिस भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भाखड़ा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, ज्योग्राफी 9th-10th में हमने इसके बारे में पढ़ा था। सो अब हम ये कवर करते हैं, दिस इज़ इंडस में जानना है आपको इंडस रिवर, फिर यू शुड नो अबाउट दिस झेलम रिवर, देन चेनाब रिवर, देन रावी रिवर, देन दिस इज़ ब्यास रिवर, और दिस इज़ सतलज रिवर। ओके, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और इंडस, ये इंडस वैली, इंडस रिवर सिस्टम बन गया। नेक्स्ट इज़ गंगा सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट रिवर है इंडिया की, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन, और गंगा का कल्चरल सिग्निफिकेंस भी बहुत है, इसको होली रिवर भी कहा जाता है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख से, उत्तरकाशी उत्तराखंड में, यहाँ पे इसका नाम होता है भागीरथी। सी, जब हिमालय से रिवर निकलती है ना, तो ये छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती है, बहुत सारी स्ट्रीम्स बनती हैं, फिर आगे चल के ये प्रेजेंट फॉर्म में आती है। तो गंगा जो एक्चुअल फॉर्म है ये हरिद्वार से आएगा फिर। देन ये भागीरथी है, इट कट्स थ्रू सेंट्रल इंडिया, देन लेसर हिमालय में नैरो गॉर्ज होता है, देवप्रयाग में ये भागीरथी जो है स्ट्रीम ये मिलती है अलकनंदा से, यहाँ पे इसको गंगा बोलते हैं, यहाँ पे ये इन दोनों को मिलने के बाद गंगा हो गया है, देन फिर हरिद्वार बाद में आएगा। ये भागीरथी है, दिस इज अलकनंदा है, भागीरथी एंड अलकनंदा मिली तो बना गंगा। देन अलकनंदा हैज़ इट सोर्स इन द सतोपंत ग्लेशियर, ये जो अलकनंदा स्ट्रीम है इसका सोर्स है सतोपंत। देन इसके बाद ग्लेशियर अबव दिस बद्रीनाथ है, अलकनंदा कंजिस्ट ऑफ दिस धौली एंड दिस विष्णु गंगा, स्ट्रीम्स इसके पहले वाली हैं, जो मिलती है जोशीमठ में और विष्णु प्रयाग में। फिर ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा सच इज पिंडार भी ज्वाइन होती है कर्णप्रयाग में, मंदाकिनी काली गंगा में, ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो ये है पॉइंट, यहाँ जो हरिद्वार है यहाँ पे रिवर पहले ही गंगा बन गई है देवप्रयाग में, भागीरथी अलकनंदा जो हरिद्वार है वहाँ पे गंगा इस हिमालयन से निकल के प्लेन में आती है, हरिकाद्वार, ये हरिद्वार है, यहाँ पे हिमालय, दिस गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। ओके, लेट मी रिपीट इट अगेन, यहाँ पे जो गंगा फॉर्मेशन हुआ दैट इज़ देवप्रयाग में, भागीरथी एक स्ट्रीम आया और ये अलकनंदा स्ट्रीम आया, ये दोनों स्ट्रीम मिली तो फिर बनती है ये गंगा। और इससे पहले भागीरथी एंड अलकनंदा भी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से बनी है, जैसे सतोपंत, अलकनंदा, धौली, विष्णु गंगा, जोशीमठ में विष्णु प्रयाग बना, पिंडार, कर्ण प्रयाग, मंदाकिनी, काली गंगा, रुद्रप्रयाग। फाइनली जो गंगा हम देखते हैं वो हरिद्वार में आती है, यहाँ पे वो अब प्लेन में आ गई है, प्लेन्स में एंटर कर गई है। सो फ्रॉम हियर इट फ्लोज फर्स्ट टू द साउथ, देन टू द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। अब गंगा के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गंगा का पॉल्यूशन, तो इसमें एक नमामि गंगे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, कंजर्वेशन करना है रिवर का हमें। इसके बहुत सारे पिलर्स हैं, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सारा जो शहर का कचरा आता है वो सारा हम इस गंगा रिवर में डाल देते हैं, तो सीवरेज ट्रीटमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, रिवर फ्रंट डेवलप करना होता है। रिवर फ्रंट मतलब ये गंगा है, इसके बैंक के आसपास हम थोड़ा बेटर फैसिलिटी एंड दिस फ्रंट डेवलप करें।
रिवर की सरफेस क्लीनिंग करो, बायोडायवर्सिटी, अफॉरेस्टेशन, पब्लिक अवेयरनेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। मैनी इंडस्ट्रीज अपना सारा वेस्ट डायरेक्टली गंगा में छोड़ देती है, गंगा ग्राम एंड ऑल। ये पूरा है नमामि गंगा प्रोग्राम में। देन बिफोर स्प्लिटिंग इंटू टू डिस्ट्रीब्यूटरी, भागीरथी एंड पद्मा, ये आगे जाके होगा बंगाल में। द रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ दिस 2,525 किलोमीटर। ये उत्तराखंड में इतना 110 है, उत्तर प्रदेश में 1,450 है, बिहार में 445 है, वेस्ट बंगाल में 520 है। गंगा बेसिन करीब 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, बहुत बड़ा है इंडिया अलून में। गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट इन इंडिया है, हैविंग अ नंबर ऑफ दिस पेरेनियल एंड नॉन पेरेनियल रिवर, ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। तो जो सोन है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक मतलब गंगा ऐसे बह रही है, इस डायरेक्शन में आप मूव करो तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो सोन नीचे से आके ऐसे यहाँ पे मिल रही है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो मतलब ये रिवर ऐसे बह रही है तो ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ऊपर हिमालय भी है, तो ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं, लेफ्ट बैंक भी बोल सकते हैं। तो ऊपर से ये जो रिवर्स आ रही हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये हो गई आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रिवर फाइनली डिस्चार्ज करेगी वाटर बे ऑफ बंगाल में नियर दिस सागर आइलैंड। अब इसकी दूसरी इंपॉर्टेंट दिस रिवर है वो है यमुना, गंगा रिवर सिस्टम की। ये वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा है, इसका सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर। ये रिवर गंगा है, इसके जस्ट नीचे ऐसे यमुना बहती है, ये ज्वाइन करती है गंगा प्रयाग अलाहाबाद में। यहाँ तीन रिवर बनती हैं, दैट इज़ वाई इसको प्रयाग राज भी बोलते हैं। नेम द थर्ड रिवर। थर्ड रिवर कौन सी है? एक तो गंगा हो गई और एक दिस यमुना हो गई। इट इज़ ज्वाइन बाय चंबल, सिंध, बेतवा, किन। अब ये गंगा है, इसके नीचे यमुना ऐसे बह रही है, प्रयागराज में मिलेगी, तो नीचे से जितने भी आने वाली रिवर हैं वो सारी रिवर का पानी ये ले लेती है यमुना, और फिर इसको आगे जाके ये गंगा में छोड़ देगी। तो चंबल, सिंध, बेतवा, किन, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई दिस यमुना की। यमुना ऐसे है तो ये इसका राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, और यहाँ नीचे से सेंट्रल इंडिया से ये सारी रिवर्स आके यमुना में मिल रही हैं, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। जबकि हिंडन, रिन, सेंगार और वरुण है, ये लेफ्ट बैंक है, मतलब गंगा और इसके बीच में यहाँ कहीं से आके ये यमुना में अपना पानी दे रही हैं, ट्रिब्यूट कर रही हैं। सो हिंडन, रिन, दिस सेंगार एंड दिस वरुण, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। मच ऑफ इट्स वाटर फीड द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना एंड द आगरा कैनाल्स ऑफ इरीगेशन पर्पजेज। सो यमुना किन किन स्टेट्स को ड्रेन करती है बताइए? चंबल राइज होती है महू में, ये मालवा प्लेटू है एमपी में, ये फ्लो करेगी अब नॉर्थवर्ड्स में, गौर जाएगा कोटा राजस्थान में, गांधी सागर डैम है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, फिर ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर यहाँ पे जाएगी, फाइनली फिर ये यमुना को मिलेगी। चंबल इज़ फेमस फॉर दिस बैडलैंड टोपोग्राफी, बीहड़, इसको बोलते हैं चंबल के रेवाइन। फिर एक गंडक आती है रिवर, गंडक दो स्ट्रीम से बनी है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा से, कंप्राइजेस टू स्ट्रीम। ये राइज होती है नेपाल हिमालय में बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट, ये ऊपर से आ रही है ये रिवर, ओके। ये ड्रेन करेगी सेंट्रल पार्ट ऑफ नेपाल को, इट एंटर्स द गंगा प्लेन इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस बिहार एंड जॉइन द गंगा एट सोनपुर नियर पटना। चंपारण एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए फेमस है, टेल मी वाई। फिर ये होता है घाघरा, घाघरा ओरिजिनेट होती है दिस ग्लेशियर जिसका नाम है दिस मापचा चुंगो, और यहाँ से ग्लेशियर से ये घाघरा रिवर आई, ये अगेन हिमालय से आ रही है, मतलब गंगा में ऊपर से ये फ्लो करके आएगी। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी तीला, सेती और बेरी है, ये माउंटेन से आएगी, डीप गॉर्ज बनाएगी शिशा पानी में। रिवर शारदा आएगी काली और काली गंगा ज्वाइन करेगी प्लेन में, और फाइनली ये गंगा एट छपरा आ जाएगी। फिर आती है रिवर कोसी, ये भी एंटीसीडेंट रिवर है, जैसे हमने पहले भी देखा था ये एंटीसीडेंट रिवर है। ये सोर्स नॉर्थ में है, माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत है, यहाँ मेन स्ट्रीम अरुण राइज होती है, फिर सेंट्रल हिमालय में पहुँचती है, यहाँ पे सोन कोसी आती है वेस्ट से और तमूर कोसी आती है ईस्ट से, और ये बन जाती है फिर सप्त कोसी, ये कोसी आफ्टर यूनाइटिंग विद द रिवर अरुण। एक और रिवर है जिसका नाम है रामगंगा, ये थोड़ी छोटी रिवर है, गढ़वाल हिल से आती है, गैरसैन, ये अभी फिर आज न्यूज़ में है, गैरसैन क्यों न्यूज़ में है, टीम यूके का कैपिटल दिस गैरसैन। इट चेंजेस इट्स कोर्स ऑन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन आफ्टर क्रॉसिंग द शिवालिक, एंटर होती है प्लेन ऑफ यूपी नजीबाबाद में, और फाइनली ये गंगा को ज्वाइन करती है। ये सारी रिवर्स जो है ना ये हम ऊपर नॉर्थ से ऐसे आ रही हैं, तो ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, गंगा ऐसे बह रही है, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट, तो ये यहाँ से ऐसे आ रही हैं।
देन दामोदर आती है, ये ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू से है, थ्रू अ रिफ्ट वैली फाइनली जॉइंस द हुगली रिवर को करती है। बराकर रिवर मेन ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसको सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता था दामोदर को, बट फिर बाद में डीवीसी बन जाएगा दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो इससे हमने इसको टेम कर लिया है। फिर शारदा सरयू रिवर है गंगा सिस्टम में, ये मिलाम ग्लेशियर नेपाल से आती है, इसको गोरी गंगा भी बोलते हैं। वहाँ पर इंडो नेपाल बॉर्डर में काली और चौक है जहाँ पर ये घाघरा को ज्वाइन करती है। फिर एक महानंदा है, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये कहाँ पर है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग मतलब अपन वेस्ट बंगाल के ऊपर पहुँच गए अपन। इट जॉइंस द गंगा एज अ लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये गंगा बह रही है तो ये लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ऊपर से आके ऐसे मिलने वाली इन वेस्ट बंगाल। अब ये सोन रिवर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोन साउथ से आ रही है, मतलब हिमालय नहीं, सेंट्रल इंडिया से ऐसे करके आ रही है। ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल एट द एज ऑफ प्लेटू। तो अमरकंटक से एक सोन हो गया, एक दिस नर्मदा रिवर हो गया, एक और थर्ड रिवर है नेम इट एज ऑफ प्लेटू, इट रीचेज आरा वेस्ट ऑफ पटना टू जॉइन द गंगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है सी, दिस इज गंगा रिवर सिस्टम, ये गंगा है, इसके नीचे यमुना है, यमुना मोस्ट ऑफ द दिस सेंट्रल इंडिया रिवर्स को ले लेती है, फिर एक सोन बाद में आके मिलती है, फिर ऊपर हिमालय से बहुत सारी रिवर आती है, और ये लास्ट में ये जो रिवर है दैट इज महानंदा, दिस दार्जिलिंग से आ रही है। सो दिस इज गंगा रिवर सिस्टम। अब जो थर्ड सिस्टम है दैट इज ब्रह्मपुत्र, हमने इंडस देखा ना, गंगा देखा, अब थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर है इन द वर्ल्ड, यूजुअली रिवर्स के नाम सी सारे फेमिनाइन है, बट ये ब्रह्मपुत्र ही मैस्कुलाइन है, बिकॉज दिस इज़ वेरी माइटी और स्ट्रेंथ मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत है यहाँ पे। ओरिजिन इन द दिस चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, कैलाश रेंज में है, मानसरोवर लेक है, देन यहाँ पे ये ईस्टवर्ड फ्लो होती है, ऐसे ईस्टवर्ड फॉर करीब 1200 किलोमीटर। ड्राई फ्लैट रीजन है सदर्न तिब्बत का, जहाँ पे इसका नाम है सैंगपो। सैंगपो का मतलब होता है दिस प्यूरीफायर। रेंगो सैंगपो इसकी मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तिब्बत में। फिर एक टर्बुलेंट डायनमिक रिवर की तरह ये आती है, डीप गॉज बनाती है सेंट्रल हिमालय में नियर नामचा बरवा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नामचा बरवा अचानक यहाँ पे ऐसे साउथ आएगी। फिर ये रिवर इमेज इमर्ज होगी फुटहिल में अंडर द नेम ऑफ दिस सियांग और दिहांग। तो अभी जैसे गंगा भी गंगा नहीं बनी है ना, अभी ये ब्रह्मपुत्र नहीं बनी है, सियांग दिहांग होगा, इंडिया में एंटर होगा वेस्ट ऑफ सदिया अरुणाचल प्रदेश में, साउथ वेस्ट में बहेगी, मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आएगी फिर इसकी दिबांग सिकांग लोहित, दिबांग सिकांग एंड देन लोहित, और इसके बाद फिर ये बनती है ब्रह्मपुत्र। सी अगेन, ये ऊपर की तरफ से यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ओके, देन दिस इज से डिब्रूगढ़, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ब्रह्मपुत्र है। यहाँ बहुत सारी ऐसे रिवर बन रही है, दिस सर ऊपर यहाँ पे रिवर्स हैं, ये सारी रिवर्स मिलके फिर यहाँ पे करीब ये ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्मेशन होता है। ओके, दिस इज ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्मेशन ऊपर से यहाँ पे, फाइन। देन ये ब्रह्मपुत्र यहाँ पे ऐसे आगे फ्लो करेगा, मोस्ट ऑफ दिस डिब्रूगढ़ आ रहा है, देन दिस यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट चल रहा है हमारा, ब्रह्मपुत्र रिवर है ये पूरी, देन ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पे वाटरवे भी है, ये गुवाहाटी आ गया, देन गोलपारा, फिर ये डुबरी आता है। डुबरी से ये रिवर जो है आप देखो, ये अचानक साउथ हो जाएगी, यहाँ पे ये साउथ हो जाएगी। सी ये जो है ना वाइट सा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड दिस ब्रह्मपुत्र, ये साउथ में हो गई, और यहाँ से जो गंगा आ रही थी उसकी एक हुबली इधर कोलकाता चली गई, और एक रिवर यहाँ आगे चली गई, और ये दोनों यहाँ पे आगे मिलेंगी, फिर यहाँ पे रिवर्स मिलेंगी, और ये जो पूरा एरिया है, दिस पूरा एरिया कोलकाता से ये चट्टगांव तक का, ये पूरा अपना हो जाता है दिस सुंदरबन एरिया। सो इन दिस वे ये जो इन दिस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, ये बहुत बड़ा एरिया बनाता है, और यहाँ पे सिल्टेशन आते हैं, सो दैट इज़ वाई ये वन ऑफ द बिगेस्ट दिस यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है, और ये सुंदरबन वंस भी हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ सदिया सी, नामचा बरवा में आया, सियांग दिहांग मिला, अरुणाचल आया, दिबांग सिकांग आया, लोहित आया, अब ये बन गई ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज मिलेगी, करीब 750 लॉन्ग किलोमीटर जर्नी जो असम वैली से होगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी दिहांग और धनश्री साउथ, ये लेफ्ट से है, मतलब रिवर ऐसे बह रही है तो रिवर का ऐसा डायरेक्शन लो, इस डायरेक्शन में खड़े हो, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में ये है आपकी बूढ़ी दिहांग एंड धनश्री, और इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है सुबानश्री, कामेंग, मनास एंड संकोच, रिमेंबर ऑल दीज नेम। देन सुबानश्री विच हैज़ इट्स ओरिजिन इन तिब्बत, ये भी अगेन एंटीसीडेंट रिवर है। ब्रह्मपुत्र एंटर करेगी बांग्लादेश नियर डुबरी, हमने देखा ना साउथ हो जाती है, बांग्लादेश में इसको तीस्ता रिवर ज्वाइन करेगी राइट बैंक में, जहाँ पे इसका नाम हो जाएगा फिर इसके बाद जमुना, फिर फाइनली ये मर्ज होगी रिवर पद्मा,
विच फॉल्स इन द बे ऑफ बंगाल. मरजोगी रिवर पद्मा दिस गंगा का आगे आ रहा है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में आगे चले जाएगी. ब्रह्मपुत्रा इज नोन फॉर फ्लड्स, बहुत फ्लड्स आते हैं यहाँ पे, चैनल शिफ्टिंग आती है, बैंक इरोजन, इतना ज़्यादा सिल्टेशन आता है तिब्बत से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट है और एक माजुली टाइप आइलैंड्स भी बन जाते हैं यहाँ पे. मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज आर लार्ज, ब्रिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ सेडिमेंट ओइंग टू हैवी रेनफॉल इन द कैचमेंट एरिया. सो ये जो तीनों रिवर थी, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये हो गया हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम. अब हम जाते हैं साउथ में. साउथ में आता है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम. ये ओल्डर है हिमालय से. ब्रॉड लार्जली ग्रेडेड शैलो वैली है. मैच्योरिटी ऑफ द रिवर है यहाँ पे, हिमालयन रिवर जैसा नेचर नहीं है इनका. वेस्टर्न घाट्स रनिंग क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट है. ये वाटर डिवाइड है, मोस्ट ऑफ द रिवर ऐसे फ्लो होंगी मेजर पेनिनसुलर रिवर के. डिस्चार्ज करेंगी वाटर बे ऑफ बंगाल में. स्मॉल रिवलेट्स ज्वाइन करेंगी अरेबियन सी में. मोस्ट ऑफ द मेजर पेनिनसुलर रिवर हैं एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, ये वेस्ट टू ईस्ट होंगी. बट नर्मदा तापी इधर जा रही थी, क्यों? क्योंकि रिफ्ट वैली में वो चली जाती हैं. चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ओरिजिनेट होती है नॉर्दर्न पार्ट में, बट ये ऊपर की तरफ जाती है और गंगा रिवर सिस्टम का फॉर्म हो जाती है, पार्ट बन जाती है. द अदर मेजर रिवर सिस्टम जो है पेनिनसुला में वो है महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं दे आर कैरेक्टराइज बाय दिस कोर्स. इनका ज़्यादा मीएंडरिंग नहीं होता है, दे आर एक फिक्स्ड कोर्स है इनका, एब्सेंस ऑफ मीएंडर है और नॉन पेरेनियल भी है ये. हमेशा इनके पास इतना पानी नहीं है बिकॉज इनके पास ग्लेशियर्स नहीं है जैसे हिमालयन रिवर के पास थे. नर्मदा एंड तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शन. अब इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे हिमालय का हमने पढ़ा था वैसे इधर भी देखते हैं. मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स डिस्टेंट पास्ट में शेप हुआ है प्रेजेंट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. हिस्ट्री में हमेशा रूट्स होते हैं, आज जो दिख रहा है उसका एक स्टोरी होता है और वो स्टोरी हिस्ट्री में होता है. जैसे सब्सिडेंस हुआ वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ पेनिनसुला का, लीडिंग टू इट सबमर्ज बिलो द सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शियरी पीरियड में. वेस्टर्न फ्लैंक था. देन जनरली इट इज़ डिस्टर्ब द सिमेट्रिकल प्लान ऑफ द रिवर. इधर साइड ऑफ द ओरिजिनल वाटरशेड बना. फिर अपहीवल ऑफ द हिमालय हुआ नॉर्दर्न फ्लैंक में. पेनिनसुलर ब्लॉक सब्जेक्टेड टू सब्सिस्टेंस. देन कॉन्सिक्वेंट ट्रू फॉल्टिंग भी हुआ. तो इस तरीके से ये एक पूरा ऐसा शेप बन गया, डायरेक्शन आ गया रिवर को फ्लो होने का. सब्जेक्टेड टू दिस, नर्मदा एंड तापी जो थी ये फॉल्ट में अटक गई, तो ये इनका दूसरा डायरेक्शन हो गया. ओरिजिनल क्रैक में ये फ्लो हो रही है डेट्रिटस मटेरियल. देर इज़ अ लैक ऑफ अलूवियल एंड डेल्टाइक डिपॉजिट, यहाँ पे नहीं मिलेगा जो यूजुअली आपको हिमालयन रिवर्स में मिलता है. देन स्लाइट टिल्ट हुआ इस डायरेक्शन में. पेनिनसुलर ब्लॉक फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, इस डायरेक्शन में ऐसे टिल्ट हो गया. तो सारी रिवर अब देखो ऐसे फ्लो होने लग जाएगी. ओरिएंटेशन टू एंटायर ड्रेनेज सिस्टम हुआ टूवर्ड बे ऑफ बंगाल. तो अरेबियन सी जाने के बजाय सारी रिवर्स जाएंगी बे ऑफ बंगाल में. अब हम देखते हैं रिवर सिस्टम ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज. लार्ज नंबर ऑफ रिवर सिस्टम पेनिनसुलर ड्रेनेज है. ब्रीफ अकाउंट इसका हम देखें तो एक है महानदी. महानदी आती है शिवासा रायपुर छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में होती है, डिस्चार्ज करती है वाटर बे ऑफ बंगाल में. 851 किलोमीटर लॉन्ग है कैचमेंट एरिया. देन इसका 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज द कैचमेंट एरिया. नेविगेशन है लोअर कोर्स ऑफ रिवर में पॉसिबल है. 53% ऑफ ड्रेनेज बेसिन रिवर लाई है एमपी में, छत्तीसगढ़ में, 47% उड़ीसा में. तो दिस इज़ रिवर नंबर वन महानदी. ये रिवर नंबर टू है गोदावरी. ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर सिस्टम है. इसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है. ये नासिक महाराष्ट्र में बनती है देन बे ऑफ बंगाल में जाती है. ये ट्रिब्यूटरी रन होती है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा में. 1,465 किलोमीटर लॉन्ग है और कैचमेंट एरिया इसका 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है. कैचमेंट मतलब जहाँ से ये पानी कलेक्ट कर रही है. देन महाराष्ट्र में 20%, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर आंध्रा में है. इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजिरा, ये प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी है. गोदावरी सब्जेक्टेड टू हैवी फ्लड इन लोअर रीचेज होता है. पोलावरम, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पोलावरम प्रोजेक्ट है रिवर दिस वाटर ट्रांसफर का, पोलावरम, बिकॉज यहाँ पे फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है. इसके बारे में आप बताओ पोलावरम, ये हमने अभी डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में इन ग्रेट डिटेल. पोलावरम प्रोजेक्ट अभी अबाउट टू कंप्लीशन था, इसमें थोड़ा डिले हो रहा है. पोलावरम पिक्चरस गॉज बनता है, नेविगेबल ओनली इन डेल्टाइक स्ट्रेच. राजामुंद्री में स्प्लिट होता है इसका, काफ़ी ब्रांचेस, इसकी लार्ज डेल्टा फॉर्म होता है. सो दिस इज रिवर नंबर टू गोदावरी. ओके, दिस इज रिवर नंबर टू गोदावरी, महानदी गोदावरी. फिर ये कृष्णा रिवर है, सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फॉलिंग पेनिनसुलर रिवर है. ये आती है महाबलेश्वर, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. टोटल लेंथ इसकी 1400 किलोमीटर है. कोयना,
तुंगभद्रा और भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। टोटल कैचमेंट एरिया कृष्णा का 27% महाराष्ट्र में है, कर्नाटका एंड आंध्रा में इतना इतना इसका एरिया है। सो दिस इज रिवर कृष्णा, कोयना इस तुंगभद्रा एंड भीमा इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है। देन देर इज कावेरी रिवर, ये ब्रह्मगिरी हिल्स में है, कोगाडू कर्नाटका से आती है, 800 किलोमीटर है, ये ड्रेन करीब इतने स्क्वायर किलोमीटर को कर रही है। कैचमेंट एरिया एंड दिस इज ड्रेनेज बेसिन, अपर कैचमेंट एरिया रिसीव करता है रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून सीजन में, समर में, और जो लोअर करता है ये नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन में करता है। इसका क्या मतलब है, ये जैसे अपना पेनिनसुला है, ये ऑनगोइंग मानसून आया यहाँ से, ओके, एडवांस्ड हो रहा है, तो जो अपर कैचमेंट एरिया है वो इधर से मानसून में आ जाएगा। अब जो लोअर कैचमेंट एरिया है वो आ गया इस कोस्ट के पास तमिलनाडु में, तो जब रिट्रीटिंग मानसून आता है तो हमने पढ़ा है वो ईस्टर्न कोस्ट पर रेनफॉल करता है। तो ये जो रिवर है इसका अपर जो कोस्ट है वहाँ पर समर मानसून से पानी आता है, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पे दिस नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून से पानी मिल जाता है ऐसे, तो इसमें पानी बना रहता है थ्रू आउट द ईयर, कंपैरेटिवली लेस फ्लक्चुएशन होता है अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, रिमेंबर दिस फीचर है ये। देन 3% ऑफ कावेरी बेसिन फॉल होता है केरला में, कर्नाटका में एंड तमिलनाडु में भी, केरला कर्नाटका एंड देन तमिलनाडु में भी है। इट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं काबिनी भवानी, जैसे हम देखते हैं ना अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट चलता है अक्सर आर्टिकल दिस। सो यहाँ पे ये जो बात होती है वो होती है रिवर शेयरिंग एंड ऑल की, तो दैट इज़ वाई इसका इतना एरिया है, बेसिन है, तो दैट इज़ वाई इसके अकॉर्डिंगली ये वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट बनते हैं। फिर ये नर्मदा रिवर है, वेस्टर्न फ्लैंक अमरकंटक प्लेटू में बनती है ये रिफ्ट वैली में चली जाती है, तो ये टूवर्ड्स अरेबियन सी जाएगी। सतपुड़ा साउथ में है और विंध्यान उसका नॉर्थ में है, यहाँ विंध्यान है और साउथ में सतपुड़ा है। यहाँ धुआंधार वाटरफॉल बनता है जबलपुर में, वेरी वेरी ब्यूटीफुल मार्बल रॉक्स, डिस्टेंस ऑफ अबाउट 13-12 किलोमीटर है। अरेबियन सी में ये भरूच में जाके अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। कैचमेंट एरिया इतना है और यहाँ पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी है, इसको हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, यहाँ पे इतना ज़्यादा का क्यों प्रोटेस्ट होता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का। एक नमामि देवी नर्मदे यहाँ पे एक प्रोग्राम चलता है यहाँ पे। देन दिस इज ताप्ती, नर्मदा के जस्ट नीचे बहती है, इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड है, मुलताई बैतुल से निकलती है, 724 किलोमीटर है और इतना इसका कैचमेंट एरिया है। 79% इसका बेसिन महाराष्ट्र में है, 15 MP में है, रिमेनिंग गुजरात में है। लूनी लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का, अरावली से निकलती है, पुष्कर पुष्कर में इन टू ब्रांचेज, एक है सरस्वती और एक है साबरमती, विच जॉइन ईच अदर एट गोविंदगढ़। रिवर अरावली से बाहर आती है और फिर इसका नाम पड़ता है लूनी, ये टूवर्ड वेस्ट होती है तिलवारा, देन टेक्स अ साउथ ईस्ट डायरेक्शन और ये रन ऑफ कच्छ में जाके अपना, ये एफएमआरएल सिस्टम भी है यहाँ पे, मतलब हमेशा पानी नहीं रहता है इधर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। अब ये जो रिवर्स हैं ये स्मॉलर रिवर्स हैं टूवर्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ ये कुछ छोटी रिवर्स हैं। ये रिवर्स हैं अरेबियन सी में आएगी, बिकॉज ये इंडिया है, ये वेस्ट है, तो ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो ये रिवर्स वेस्ट की तरफ आएंगी। स्मॉलर रिवर्स हैं जैसे शेत्रुंजी हैं, वन सच रिवर है, ये धलकावाहा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में निकलती है। देन भद्रा ओरिजिनेट आइनालाई विलेज इन राजकोट में है, ये गुजरात वाला एरिया है। देन धाडर है, ये घंटर विलेज इन दिस पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर साबरमती और माही भी दो फेमस रिवर हैं गुजरात की। तो ये जो वेस्ट है ना, मतलब ये सारी रिवर कहाँ जा रही है, अरेबियन सी में जा रही है। ये जितने भी ब्लू से हाईलाइटेड है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे रिवर्स आपको पता होना चाहिए। देन ये वैतरना है, ये होती है त्रिम्बक हिल्स नासिक से। देन कालिंदी है, ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, कारवार बे में जाती है। बेड़ती रिवर हुबली धारवार में है। देन श्रावती है, शारावती है, इस पर बहुत अच्छा एक दिस फॉर्मेशन होता है, दिस फॉल एंड ऑल है यहाँ पे। देन इम्पॉर्टेंट कर्नाटका में है वेस्ट में, ये ओरिजिनेट होती है शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में और ड्रेन करती है दिस मच एरिया। गोवा में ये रिवर बहुत न्यूज़ में चलती है, वाटर डिस्प्यूट है यहाँ पे। दो इंपॉर्टेंट रिवर है मांडोवी एंड दिस जुआरी, महादई भी है इसका नाम। देन केरला में एक नैरो कोस्ट लाइन है, यहाँ पे एक भारत पुझा रिवर है और अनामलाई हिल से निकलती है। यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुन्नानी, ये इतना एरिया ड्रेन कर रही है, कैचमेंट एरिया विद दैट ऑफ शारावती रिवर ऑफ कर्नाटका। पेरियार रिवर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड लार्जेस्ट है, इसका कैचमेंट एरिया इतना है। मार्जिनल डिफरेंस इन द कैचमेंट एरिया ऑफ दिस भारतपुज़ा एंड पेरियार रिवर है। दूसरी रिवर केरला की जो मेंशन है दैट इज़ दिस पंबा रिवर। पंबा रिवर फॉल होती है वेम्बोनाद में लेक एंड दिस मच ऑफ रिवर डिस्टेंस ट्रेवल करके। तो दीज आर सम स्मॉलर रिवर्स जो सीधा जाके अरेबियन सी में मिल रही हैं।
अगेन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जितना ब्लू में है रिवर्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये इनका है साबरमती, माही, धांडर, कालिंदी नदी, श्रावस्ती, भारतपुज़ा एंड दिस पेरियार कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब कैच कर रहा है पानी, यहाँ से कैच हो रहा है। फिर स्मॉल रिवर, अब हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल ईस्ट में जाने वाली, ये डायरेक्टली ईस्ट में जा रही विद देयर ट्रिब्यूटरी। तो देर आर मैनी रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं स्मॉलर इन देयर ओन, जैसे कि सुबर्णरेखा रिवर है, बैतरणी रिवर है, ब्राह्मणी, वंशाधारा, पेन्नर, पलार, वैगई, ये सीधा जाके यहाँ पे मिल रही है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सी नहीं है, तो सी दीज रिवर्स डायरेक्टली गोइंग टू दिस बे ऑफ बंगाल एंड दीज रिवर्स आर डायरेक्टली गोइंग टू दिस अरेबियन सी, सुबर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, पेन्नार एंड पालर। अब बात करते हैं रिवर रिजीम की। रिजीम मतलब कितना पानी उसमें थ्रू आउट बह रहा है। क्वांटिटी ऑफ वाटर जो रिवर चैनल में है थ्रू आउट द ईयर सेम होगा नहीं, बारिश के टाइम पे या जब समर्स है मेल्ट हो रहा है तो ज़्यादा पानी हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर्स मेल्ट। तो रिवर रिजीम भी फ्लक्चुएट होता है। रिवर चैनल में रिजीम होता है ओरिजिनेटिंग हिमालय में, पेरेनियल होती है मतलब हमेशा पानी बना रहेगा, ग्लेशियर्स में स्नो मेल्ट होगा और रेनफॉल भी होगा, और विटनेस फ्लक्चुएशन यूजुअली ज़्यादा नहीं होता है। बट जो साउथ की रिवर है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएशन है बिकॉज उनको ग्लेशियर्स मेल्ट पानी नहीं मिल रहा है। रिजीम ऑफ रिवर ऑफ साउथ इंडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय रेनफॉल ज़्यादा होता है। सो सी दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दिस हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। प्लेस ऑफ ओरिजिन, हिमालय कहाँ पर है ग्लेशियर्स में, और पेनिनसुला कहाँ पर है हाईलैंड या पेनिनसुलर प्लेटू में। नेचर ऑफ फ्लो, ये यूजुअली पेरेनियल होता है और पेनिनसुलर का सीजनल होता है, ग्लेशियर और रेनफॉल से पानी मिल रहा है, यहाँ मोस्टली मॉनसून से पानी मिल रहा है। टाइप ऑफ ड्रेनेज, ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है, यहाँ पे सुपर इम्पोज्ड है, रेजुवनेटेड, ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर, इस टाइप के यहाँ पे रिवर का टाइप मिलता है, ड्रेनेज पैटर्न का सिस्टम है। नेचर ऑफ रिवर देखें तो हिमालयन रिवर का लॉन्ग कोर्स है, रगड माउंटेन है, हेडवर्ड इरोजन हो रहा है। हेडवर्ड मतलब जैसे ये रिवर आ रही थी ये आगे की तरफ ऐसे इरोजन करेगी, और सपोज़ पहले से कोई दूसरी रिवर ऐसे जा रही थी ये आगे ऐसे हेडवर्ड इरोजन करेगी और यहाँ ऐसे स्ट्राइक करेगी, पानी अब इधर हो जाएगा और ये रिवर ऐसे हो जाएगी और ये रिवर अब ड्राई हो जाएगी बिकॉज इसने इसको कैच कर लिया है, कैप्चर कर लिया है यहाँ पे रिवर। हेडवर्ड इरोजन, रिवर कैप्चरिंग, मीएंडरिंग होती है, फिक्स्ड कोर्स है, पेनिनसुला में ऐसा कोई काम नहीं है। कैचमेंट एरिया इनका बहुत बड़ा है, इनका स्मॉल है। एज ऑफ रिवर यहाँ पे यूजुअली यंग है बिकॉज हिमालय इटसेल्फ आर वेरी यंग एंड दीज आर ओल्ड, तो इनकी ग्रेडेड प्रोफाइल है, ये बेस लेवल हो गया है मतलब बॉटम आउट हो गई है ये रिवर सारी। देन पेनिनसुलर सिस्टम है, डिस्चार्ज मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ रिवर मेजर्ड ओवर टाइम, ये होता है क्यूसेक्स में मेजर होता है, क्यूमसेक्स। गंगा का मैक्सिमम फ्लो जनवरी जून पीरियड में आता है, देन मैक्सिमम फ्लो अटेन इधर इन, मिनिमम आता है जनवरी जून में, मैक्सिमम आता है अगस्त सेप्टेम्बर में, स्टेडी फॉल होता है फिर इसके बाद। मानसून रिजीम यहाँ पे इफेक्ट होती है, जब पानी ज़्यादा होगा, मानसून ज़्यादा हो रहा है, समर है, ग्लेशियर्स ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। स्ट्राइकिंग डिफरेंस गंगा के रिजिम में ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट्स में आता है। गंगा मेंटेन साइजेबल फ्लो करती है अर्ली पार्ट ऑफ समर, स्नो मेल्ट क्योंकि हो रहा है, मॉनसून रेन भी आ गए हैं। फरक्का में हम इसको मेजर करते हैं 55,000 क्यूसेक्स में, देन मीन आ जाता है केवल 1300 क्यूसेक। तो पानी का लेवल चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड रिजिम। दो पेनिनसुला रिवर डिस्प्ले करती है इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस रिजीम में कंपेयर टू हिमालयन रिवर। एक नर्मदा है, वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डिस्चार्ज है फ्रॉम जनवरी टू जुलाई, बट सडनली अगस्त में इसका राइज हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस मॉनसून एंड ऑल। अक्टूबर में अगेन एज द राइज इन अगस्त, फॉल भी है इसका। फ्लो ऑफ वाटर नर्मदा में, गरुड़ेश्वर में हम देखते हैं, जैसे फरक्का देखा था यहाँ गरुड़ेश्वर में मैक्सिमम फ्लो इज अराउंड 2300 क्यूसेक्स और मिनिमम केवल 15 हो जाता है। गोदावरी का मिनिमम डिस्चार्ज मई में है। ऐसे हर रिवर का डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज मैक्सिमम एंड मीन है। पोलावरम में से 3200 हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रिजीम ऑफ रिवर। इवेंट ऑफ यूजेबिलिटी की बात करें तो रिवर ऑफ इंडिया ह्यूज वॉल्यूम होता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है टाइम एंड स्पेस में, तो मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है ये सीधा ओशन में चला जाता है, सी में चला जाता है, हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। पेरेनियल रिवर है, कैरिंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। नॉन पेरेनियल है जिसमें लिटिल वाटर है, तो अक्सर हम सोचते हैं रिवर इंटर लिंकेजेस की भी बात करते हैं। देन वेस्टेड इन फ्लड्स एंड फ्लो इन द सी, तो कभी पानी बिल्कुल नहीं है, कभी पानी बहुत ज़्यादा आ गया। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या सॉल्यूशंस निकालने हैं, वाटर मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाटर कंजर्वेशन इज़ वाई सो इम्पॉर्टेंट, इसका हम डैम्स एंड स्टॉप डैम्स इस टाइप से इनको कंजर्व करें, यूटिलाइज करें ताकि थ्रू आउट ये ईयर हम यूज़ कर सकें इन पानी को। मिनिमाइज़ कैसे करें कि जब सरप्लस आ रहा है कभी डेफिसिट आ रहा है, ताकि साल भर हमारे यहाँ एक पानी बना रहे। इंटर बेसिन लिंकेजेस की बात है, इसमें अभी हमने पोलावरम देखा था ना, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं।
एंड देन ट्रांसफ़र ऑफ वाटर से गंगा से पेनिनसुलर में क्यों नहीं कर सकते हैं? हम न्यूज़पेपर में अक्सर देखते हैं रिवर इंटरलिंकिंग का. सो दिस ऑल आर सर्टेन क्वेश्चंस कि नॉर्थ और साउथ में हम क्यों नहीं कर सकते हैं. यहाँ ज़्यादा पानी है, इधर शॉर्टेज है, सफिशेंट सप्लाई इधर कर दो. अवेलेबिलिटी सफिशेंट क्वांटिटी में क्यों नहीं है? रिवर वाटर पॉल्यूशन है, ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं. लैंड ऑफ सिल्ट इन द लोड ऑफ सिल्ट इन द रिवर वाटर, दिस सेडिमेंट, अनइवन सीजनल फ्लो है, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं अक्सर. देखो कर्नाटका और दिस तमिलनाडु आपस में लड़ते ही रहते हैं. देन श्रिंकिंग ऑफ चैनल्स ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ सेटलमेंट टूवर्ड्स दिस थालवेग हो जाता है. थालवेग मतलब ये लाइन डिसाइड होता है, एरिया जो होता है. थालवेज प्रिंसिपल्स होते हैं इसमें, बीच से एक हम करते हैं डेप्थ के अकॉर्डिंग. सो व्हाई आर दिस रिवर्स पॉल्यूटेड? हैव यू सीन द डर्टी वाटर ऑफ सिटी? अभी बिकॉज ऑफ COVID-19 पॉल्यूशन थोड़ा कम हो गया है, बट ये टेम्प्ररी है, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं है. बैंक ऑफ रिवर, डेड बॉडीज यहाँ पे समटाइम्स थ्रोन है, तो इससे फेस्टिवल्स एंड ऑल में पॉल्यूशन होता है. यहाँ पे फ्लावर्स एंड स्टैचूज यहाँ इमर्ज की जाती है. ये से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है तो ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होता है. रिवर यहाँ पे पॉल्यूशन होता है. तो हमने शुरू में क्या देखा था, रिवर कितना कम है, फ्रेश वाटर कितना था 2.5%, देन उसका भी काफ़ी 0.39 समथिंग आ रहा था. सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वी कंजर्व वाटर. गंगा एक्शन प्लान है, यमुना कितनी गंदी हो जाती है दिल्ली में, सो वी नीड टू थिंक ऑन दिस. ओके, सो दिस इज नाउ सर्टेन एक्सरसाइज. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. आई एम नॉट हाईलाइटिंग, यू आंसर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल? अभी हमने पढ़ा था ना सोरो ऑफ बंगाल. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया है? अभी फिर लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया की बात करना है. बताइए, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन पंचनाद? पंजाब में देखा था ना, रावी, इंडस, चेनाब, झेलम, इनमें से कौन सी नहीं होगी. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली अभी देखा था, ये डिवाइड है, वाटर डिवाइड, इधर ऐसे फ्लो हो रही थी रिवर, तो रिफ्ट वैली में कौन सी रिवर है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन रिफ्ट वैली? सोन, यमुना, नर्मदा, लूनी में. देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी? अभी रिवर गंगा का हमने देखा था, ये कब जाके रिवर गंगा बन रही है, उससे पहले ये अलग अलग स्ट्रीम्स थी. डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग बताइए, रिवर बेसिन और वाटर शेड में. साइज क्या डिफरेंस होता है रिवर बेसिन एंड वाटर शेड में? डेंड्रेटिक और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या है? रेडियल और सेंट्रिपिटल क्या है? डेल्टा और एश्यूरी में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू आंसर. देन सोशो इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या है इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इन इंडिया? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब अभी ये पोलावरम इज इन न्यूज़ फॉर, अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है. तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेनिनसुलर रिवर की जो यहाँ साउथ में है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है नॉर्थ इंडिया रिवर की? डिफरेंट कैसे हैं ये पेनिनसुलर रिवर से? हरिद्वार से सिलीगुड़ी आप ट्रेवल कर रहे हो फुटहिल ऑफ हिमालय में, तो इंपॉर्टेंट रिवर्स आप कौन कौन से देखोगे इस टाइप से, हिमालय के आप सिलीगुड़ी तक पहुँच रहे हो यहाँ हरिद्वार से. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. ओके, सो इस क्लास में हमने पढ़ा ड्रेनेज सिस्टम, रिवर पॉल्यूशन क्यों बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको यूजेबिलिटी मेंटेन करनी चाहिए. देन हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स, उनका रिजीम क्या होता है. देन ये डिफरेंस था हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के डिफरेंसेस में. ये रिवर टूवर्ड्स ईस्ट हैं, ये डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं, बे ऑफ बंगाल में. ये डायरेक्टली कहाँ जा रही हैं, अरेबियन सी में. ओके, देन दिस इज़ द स्मॉलर रिवर टूवर्ड्स द अरेबियन सी. देन हमने ये साउथ की रिवर्स देखा, ये सारी रिवर्स हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज की, पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम इवोल्यूशन कैसे हुआ. देन उसके पहले ये ब्रह्मपुत्रा सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, हिमालय का ये थर्ड पार्ट ब्रह्मपुत्रा है, सेकेंड पार्ट है दिस गंगा सिस्टम, और फर्स्ट पार्ट है दिस इंडस रिवर सिस्टम. तो हिमालय में तीन है, इंडस, देन दिस गंगा एंड देन दिस ब्रह्मपुत्र. ये इवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है, ऐसा कहा जाता है. एक बहुत बड़ी रिवर थी, वो फिर तीन पार्ट में डिवाइड हुई. देन दिस इज हिमालयन ड्रेनेज, ये ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है. ओके, ये मैप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस डिवाइड, ये वाटर डिवाइड याद रखना है, इधर वाली रिवर और इधर वाली रिवर. और कुछ रिवर डायरेक्टली अरेबियन सी में आ रही हैं, कुछ रिवर डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं. सो दिस इज ड्रेनेज सिस्टम. अब हमने ये इंडिया की फिजियोग्राफी में सेकेंड एंड देन थर्ड, ये दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं. यूनिट टू इज़ ऑल्सो ओवर. नाउ विल टॉक अबाउट दिस क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, 4, 5, 6. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.